स्मार्ट सिटी धर्मशाला में ऑर्गेनिक तकनीक से प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। इस प्लांट में केले के पौधों से सीवरेज को ट्रीट किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी में चल रहे विभिन्न कार्यों में से धर्मशाला के ओल्ड चेड़ी रोड पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार किया गया है। आईपीएच विभाग के माध्यम से धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 3.53 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें से पहला चरण पूरा हो गया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में ऑर्गेनिक तकनीक से भारत का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया जाएगा। इस प्लांट में केले के पौधों से सीवरेज की ट्रीटमेंट की जाएगी। स्मार्ट सिटी में चल रहे विभिन्न कार्यों में से धर्मशाला के ओल्ड चड़ी रोड पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार किया गया है। आईपीएच विभाग के माध्यम से धर्मशाला स्मार्ट सिटी में 3.53 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें पहला चरण पूरा हो चुका है और उसमें लगभग 1.4 करोड़ की लागत आई है। इस सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से प्रतिदिन 2 लाख लीटर सीवरेज को ट्रीट किया जा रहा है, जिससे 2500 के लगभग लोगों को फायदा होगा। ऑर्गेनिक तकनीक से तैयार इस सीवरेज प्लांट में कोई भी केमिकल कंपोनेंट नहीं है और ना ही इसके लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी। इस प्लांट में ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी नहीं है तथा इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी जीरो है। जानकारी के अनुसार मैकेनिकल प्लांट के मुकाबले ऑर्गेनिक तकनीक से तैयार ये प्लांट 6 साल में अपनी कॉस्ट रिकवर कर देगा। वर्तमान में इसकी कमीशन का कार्य चल रहा है। नगर निगम धर्मशाला के कमिश्नर संदीप कदम ने बताया कि स्मार्ट सिटी में ऑर्गेनिक तकनीक से प्रदेश का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है, जिसमें 2 लाख लीटर सीवरेज प्रतिदिन ट्रीट किया जा रहा है, जिससे 2500 लोगों को लाभ मिलेगा। ये प्लांट अपनी कॉस्ट को 6 साल में रिकवर कर लेगा। इसका निर्माण आईपीएच के माध्यम से किया गया है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से हमारे जो अलग अलग कार्य चले हैं, उसमें से एक अहम कार्य था जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो भी एक ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी से बनाने का यह एक कार्य है। आईपीएच विभाग के माध्यम से हम ये कुल 3.53 करोड़ का यह एक पूरा कार्य है जो 2 फेजेस में किया जा रहा है। इसकी फर्स्ट फेज है, यह कंप्लीट हो चुकी है, जो आप अभी देख पा रहे हैं। इसमें 2 जगह पे यह किया गया है, इसमें से 1 जगह का यह कार्य है। इसमें आप देखेंगे तो केल के जो हमारे पौधे हैं, इनकी मदद से हम सीवरेज को ट्रीट करते हैं। और यह जो प्लांट है, फर्स्ट फेज में हमने 1.4 करोड़ से 2 जगह पे हमने ये कंप्लीट किया है। इसमें करीब 2500 लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ हम खड़े हैं, यह अकेला प्लांट डेली 2 लाख लीटर तक की सीवरेज ट्रीट करेगा। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप महसूस करेंगे कि यहाँ पे कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, ना कोई नॉइज़ पोल्यूशन है, कुछ नहीं है। और इसकी जो रिकरिंग कॉस्ट है, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो करीब करीब ज़ीरो है। और अब इस तरीके से इसको हम बाकी जो हमारे मैकेनिकल पार्ट वाले जो प्लांट्स होते हैं, उससे कंपेयर करें तो, और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को निकालेंगे तो 6 साल में ये अपनी पूरी कॉस्ट रिकवर कर जाएगा। और उसके बाद वो हम एक तरीके से वो एक फ्री एसेट हमारे लिए ये बन जाएगा। यहाँ ना कोई बदबू है, ना किसी तरीके की स्मेल आएगी। इतने अच्छे तरीके से यह सारा प्लांट कार्य करता है। इस टेक्नोलॉजी को पहली बार हम सरकारी क्षेत्र में हिमाचल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये सक्सेसफुली शुरू होने जा रहा है। इसका कमिश्निंग अभी चली हुई है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।